Lovers with Sherry's. Subscribe, like, comment and share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऐसा देश है मेरा के साथ फ्लेवर्स विद शायरीज हाजिर है पार्ट टू लेकर। पार्ट वन में आपने गेस्ट हाउस की डिटेल देखी थी, अब मैं आपको अपने साथ इस कर्दू की सैर कराऊंगी। जी, पहाड़ों के बीच में कराकरम के सिलसिले के साथ साथ ये इस कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा शहर जो ग्रीनरी भी लिए हुए है, ग्लेशियर भी इसमें, बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी हैं और झील भी है, और सबसे ज़्यादा ये कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट भी यहाँ मौजूद है। हम लोगों ने गेस्ट हाउस में सामान रखा, फ्रेश हुए और हम मंतोखार वाटरफॉल की तरफ चल पड़े। मंतोखार वाटरफॉल खरमंग वैले के में मौजूद है, और खरमंग वैले वो जगह है जहाँ से रिवर इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होती है, दरियाए सिंध हमारे पाकिस्तान में दाखिल होता है, ये वो जगह है। रास्ता बहुत ही तंग था, एक तरफ से ट्रैफिक आ रही थी, एक तरफ से ट्रैफिक जा रही थी, और बड़ी ऊंची नीची सड़कें थीं ये बहुत सड़क जो, और बड़ी घूमती घुमाती सड़क, लेकिन ड्राइवर्स बड़े एक्सपर्ट, और हमने कार हायर की हुई थी। कार हायर करने का तरीका ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो 2021 जुलाई की बात कर रही हूँ मैं, कि 4 to 5,000 में कार हायरिंग होती है, और आपके अपनी जो पेमेंट है पेट्रोल की वो आपको खुद करनी पड़ती है, पेट्रोल आपको खुद देना होता है। पहाड़ों के बीच से हम लोग गुजर के जो है आगे हम जा रहे हैं। यहाँ मैं इस कर्दू की मशहूर चीज़ें भी आपको बता दूं, चलिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ मंतोखा पहुँच गए, मंतोखा जो है वो 80 किलोमीटर के फासले पर था, 2 घंटे की मुसाफत, 180 फुट बुलंद सतह ज़मीन से, और ये मंतोखा रेस्टोरेंट से मैं आपको ये सारी जो नज़र आ रही है ये वहाँ से हमने तस्वीर ली थी। अब ये हैंगिंग ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम वाटरफॉल के पास पहुँच जाएंगे, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल, और यहाँ ट्राउट फिश भी मौजूद थी, और बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अगर मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा सा और काम किया जाए तो ये और अच्छी जगह बन सकती है। अच्छा, उसके बाद हम इतना थक चुके थे कि हम वापस गेस्ट हाउस आ गए, और हमने अगले दिन का प्लान किया। 3 दिन का स्टे था हमारा, अगले दिन हम लोगों ने प्लान किया कि इस कर्दू के करीब तर जगहों पे हम जाएं। अच्छा, इससे पहले कि मैं मज़ीद आपको बताऊं, मैं पहले सादिया यूनुस का शुक्रिया अदा करूंगी, और अपने छोटे बेटे का कि जिन्होंने अपने मोबाइल की तस्वीर मुझसे शेयर की, और मैंने इस व्लॉग को बनाने में उनकी तस्वीर का भी इस्तेमाल किया, बहुत शुक्रिया सादिया यूनुस आपका। अच्छा, अब हम सतपारा लेक पहुँचे हैं, और सतपारा लेक जो है करीब तर है इस कर्दू से, और 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे था, और ये इस पे डैम बना हुआ है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसका पानी कभी सब्ज़ हो जाता है और कभी नीला, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये पानी सुनहरा भी हो जाता है। बहुत ठंडा मीठा फ्रेश पानी जो कि सप्लाई होता है इस कर्दू को, तमाम इस कर्दू में इसी का पानी सप्लाई होता है। सतपारा विलेज के में है ये, और अली सतपारा आपको याद होंगे केटू के हवाले से। अच्छा, अब हम सतपारा रोड पे आए तो हमने बुद्धा रॉक भी देखा। बुद्धा रॉक इस कर्दू में इस्लाम से पहले बुद्धिस्ट रहते थे, यानी बुद्धिज़्म का दौर था, और ये गौतम बुद्ध के मानने वाले बड़े बड़े जो रॉक्स थे उन पे इनकी मराकबे वाली तस्वीर जो है वो कार्विंग की हुई है, और ये नीचे इनके हवारी वो भी मराकबे में, और कहा जाता है कि ये 8वीं सदी में शायद कार्विंग हुई होगी, क्योंकि ये ग्रेनाइट का पत्थर है बहुत बड़ा सा, और 20वीं सदी में जाके इसको रिकग्नाइज़ किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और अपनी सरपरस्ती में 1975 में लिया, और इसके गिर्द चारदीवारी है, और चारदीवारी के एंटर अंदर जाने के लिए हमें 150 उन्होंने इसकी फ़ी चार्ज किया था। एक तारीख़ी जगह है, बहुत हसीन तो नहीं लेकिन एक तारीख़ी जगह है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। और उसके बाद हम चले कतपना लेक की तरफ। कतपना लेक जाते हुए मैं थोड़ा सा इस कर्दू की मज़ेदार चीज़ों के बारे में, जो कि वहाँ यहाँ की बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे जो मशहूर हैं, जैसे काला ज़ीरा बहुत मशहूर है और जो यहाँ सस्ता भी मिल जाता है, उसके अलावा बकवीट एक आटा है जो यहाँ पे बहुत फेमस है,
और कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर चेरी और खुबानी के दरख्त आपको बहुत नज़र आएंगे, सेब यहाँ बहुत होता है। और यहाँ के खानों में ममतू, प्रापू, चाप शोरो ये काफ़ी हैं। अच्छा, ये कतपना लेक है और कतपना लेक पे हम पहुँचे और अच्छी जगह है और लोकल के लिए तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पे भी लोग बैठे हुए थे और बड़ा बारबेक्यू भी हो रहा था, लेकिन अगर मैं नंबरिंग करूँ तमाम जगहों में जो 8 जगह मैंने देखी उसमें शायद ये लास्ट नंबर होगा इसका। लेकिन अच्छी खूबसूरत जगह है, ये मैं नहीं कहूँगी कि खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती तो खैर आप स्कर्दू के आसपास बहुत ज़्यादा फैली हुई है। यहाँ से हम लोग निकले शिगर फोर्ट के लिए। शिगर फोर्ट जाते हुए रास्ते में हमें कोल्ड डेजर्ट मिला, कोल्ड डेजर्ट जिसे कतपना डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बल्कि कोल्ड डेजर्ट इसलिए कहा जाता है कि ये डेजर्ट जो है बहुत रेतीले जो है, इसमें टीले मौजूद हैं लेकिन साथ साथ ग्रीनरी भी मौजूद है इसके इसमें। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, ग्रीनरी और डेजर्ट दोनों हैं। ये सबसे दुनिया का हाईएस्ट डेजर्ट है और ये सर्दियों में इस पे बर्फ़ जम जाती है और बहुत ही अच्छी जगह है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिन दिनों हम गए थे जुलाई में, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी जुलाई में आप लोग बिल्कुल ना जाएं। अब मैं बाबे शिगर से जो है शिगर फोर्ट की तरफ आ गई हूँ और ये शिगर फोर्ट जो है 17वीं जो है 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं सदी में जो है राजा अमाचा की कयामगा थी और इसको आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान ने जो है रिस्टोर किया, लेकिन सेरिना होटल वालों ने अब इसकी मैनेजमेंट संभाल ली है और इसको एक तरह से म्यूज़ियम के तौर पे भी है और ये एक लग्जरी होटल के तौर पे भी है। तो यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त सी शिगर फोर्ट की ये देखें, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही हमें जो गाइड था वो रहनुमाई करता रहा। ये उनके बर्तन हुआ करते थे और उसने हमें जगह दिखाई कि जो उनका चूल्हा था और ये जेवर है, ये देखें आपका, ये मेरा ख्याल है, हाँ ये किचन है उनका जिसमें कि ये तवा रखा हुआ है जो उन्होंने मुझे दिखाया था। अगर हम और ये जेवरात हैं उनके, अगर मैं शिगर फोर्ट पे ही एक व्लॉग बनाऊँ तो एक कंप्लीट व्लॉग बन सकता है। बड़ी तफसील से जो है गाइड ने हमें रहनुमाई की थी। यहाँ पे ये मॉस्क भी उन्होंने हमें दिखाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुरान है और ये मॉस्क है उनका, ये रूम जिसको मस्जिद का दर्जा दिया हुआ था उन लोगों ने। और इस शिगर फोर्ट में कमरे जो हैं वो बिल्कुल बाकायदा होटल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं सेरिन होटल की मैनेजमेंट के तहत, और इनकी बताई जाती है कि तकरीबन 17,000 से लेके 27,000 तक इसकी कीमत है। ये बैकयार्ड है जहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम था, लेकिन सिर्फ जो वहाँ पे मुकीम थे उनके लिए, क्योंकि कोविड की वजह से जो है वो बाकियों के लिए मना था। शिगर फोर्ट में जाने के लिए हमने 400 रुपये पे किए थे पर हेड। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को जो चीज़ आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या किया कैसे किया, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूँ। इससे आगे खपलू फोर्ट था लेकिन हम लोग थक चुके थे इसलिए हम उस दिन वापस आ गए। अगले दिन जो सबसे खूबसूरत जगह जो इस कर्दू की जान है कचूरा लेक, ठीक है ना, कचूरा लेक। अपर कचूरा हम लोग पहले गए, लोअर कचूरा जो कि शंग्रीला के नाम से, और शंग्रीला जो इसकी जान है, और जब भी स्कर्दू को दिखाया जाता है तो शंग्रीला की ही तस्वीर ज़्यादा में दिखाई जाती है ताकि जिससे आपको शो हो जाता है कि अच्छा ये स्कर्दू है। अपर कचूरा हम लोग ट्रैवल करते हुए गाड़ी से काफ़ी ऊंचाई की तरफ गए और उसके बाद फिर हमने काफ़ी नीचे जो है सीढ़ियों से नीचे की तरफ हम लोग बाई फुट यानी कि आए, और जब नीचे आए तो हमें इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब हम ऊपर चढ़े तो हमारी सांसें फूलने लगी, यानी काफ़ी नीची जगह पे ये अपर कचूरा है। और बहुत खूबसूरत झील है ये भी, और बहुत ही ठंडा पानी इसका, और यहाँ के पानी की खासियत ही यही थी
जो स्कर्दू के जितने भी पानी हैं, क्योंकि झील है और झील जो है वो ग्लेशियर से ही यहाँ बने हुए हैं, ग्लेशियर पिघलता है तो फिर ये झील सारी वजूद में आती है उस, और सर्दियों में तो ये बिल्कुल सारे के सारे जम जाते हैं, यानी कि बर्फ़ हो जाते हैं। जैसा कि वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि जी ये तो कुछ महीने तो ऐसे होते हैं कि हम ट्रैवल कहीं और कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल बर्फ़ हो जाता है। और अभी भी हमने पहाड़ों पे देखा कि काफ़ी जगहों के पहाड़ ऐसे थे जहाँ पर बर्फ़ मौजूद थे, ठीक है। और बहरहाल हम ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ के फिर हम गाड़ी में बैठे और फिर हम लोअर कचूरा यानी कि हम पहुँचे शंग्रीला। बहुत खूबसूरत जगह है ये, शंग्रीला रिजॉर्ट है। अच्छा, यहाँ पे एंट्री फीस जो है लोकल के लिए 50% लेस, और हम जैसे विजिटर्स के लिए 50% मोर वाला काम था, यानी कि 500 लोकल लोगों के लिए चार्ज कर रहे थे और 1000 जो है वो हम विजिटर्स के लिए जो है, टूरिस्ट के लिए जो है ना, वो चार्ज कर रहे थे। तो बहरहाल हम दाखिल हुए अंदर, और ये सामने जो आपको शंग्रीला का ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो नज़र आ रहा है रेड कलर में, बाकी ये सारे इनके जो है वो रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे कयाम करने की जो बताई जाती है कि जी ये तकरीबन 22 लाख तक इसके पर नाइट चार्जेस हैं, 20,000 टू 1 लाख, ठीक है, ये इनके चार्जेस हैं। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है जो आपको मैंने दिखाई, और 3 दिन में हम इतना ही ट्रैवल कर सकते थे, इतनी ही चीज़ों को देख सकते थे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कपचूरा फोर्ट मैंने नहीं देखा, खपलू फोर्ट मैंने नहीं देखा, और इसी तरीके से जो है एक बहुत खूबसूरत जगह जो देवसाई प्लेन के नाम से है, और वो भी मैं नहीं देख सकी। लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरीके से मैं आपसे मिलती रहूँगी इंशाल्लाह, फिर अब मैं मिलूँगी आपको किसी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।